सो दिस वीवर डिस्कसिंग अबाउट सर्कल मैंने इन द मिडल इन द मिडल ऑफ द बोर्ड मैंने एक पॉइंट ए लिया ठीक है और फिर मैंने सपोज यहां पर एक पॉइंट लिया उसकी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए जो है वो दो सेंटीमीटर की है इसी तरह से मैंने ये पॉइंट लिया इसकी भी डिस्टेंस फ्राम पॉइंट इज ऑल्सो टू सेंटीमीटर फिर मैंने ये पॉइंट लिया इसकी भी जो डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट ए इज टू सेंटीमीटर सिमिलरली मैंने यहां पर बहुत सारे पॉइंट लिए है ऐसे पॉइंट लिए है कि इन सभी की जो डिस्टेंस है वो है टू सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए तो अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछू क्या हम कैन वी ड्रॉ मोर पॉइंट अराउंड दिस पॉइंट ए विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ टू सेंटीमीटर सपोज मैंने यहां पर पहले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहां से मैंने शुरू किया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन फिफ्टीन मैंने टोटल फिफ्टीन पॉइंट्स लिए जिनकी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए क्या थी टू सेंटीमीटर अब मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या हम और पॉइंट्स ड्रा कर सकते हैं अराउंड दिस पॉइंट ए विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ टू सेंटीमीटर तो आपका आंसर होगा येस yes, कर सकते हैं सपोज हम यहां एक पॉइंट ड्रा करेंगे इसकी डिस्टेंस होगी फ्रॉम पॉइंट ए टू सेंटीमीटर लेकिन विद द हेल्प ऑफ सपोज रूलर लेंगे यहां पर एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे इसकी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए होगी टू सेंटीमीटर यहां करेंगे यहां करेंगे यहां करेंगे यहां करेंगे यहां 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 सो so, हमने क्या देखा कि देयर आर मेनी मोर सच पॉइंट्स दैट वी कैन ड्रा ठीक है इतने पॉइंट्स हैं दैट वी कैन नॉट काउंट देम जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उस टर्म को हम बोलते हैं अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल मीन्स वी कैन नॉट काउंट सच पॉइंट्स, जिनकी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए इज टू सेंटीमीटर और इसकी एक और टर्म है इनफाइनाइट। यू आर अवेयर ऑफ द टर्म इनफाइनाइट ठीक है सो so, जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे so what figure will we get when we will join all the points marked around point a so we will get a circle Isko kya bolte hum? is this shape? Ko? circle hai? so a circle is formed when all the points are at the same distance of 2 cm from the point a and when these points are joined ठीक है तो यहां पर फिर मैंने सर्कल की डेफिनेशन लिखी थी आ सर्कल इज अ क्लोज कर्व फॉर्मड बाय ज्वाइनिंग अ ग्रुप ऑफ पॉइंट्स ऑल ऑफ विच आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ठीक है जो ये फिक्स्ड पॉइंट है फिक्स्ड पॉइंट इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल और ये जो फिक्स डिस्टेंस है फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट टू हेयर जो ये फिक्स डिस्टेंस है दो सेंटीमीटर की ये 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 इस फिक्स डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ठीक है ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ये लाई करता है इन द मिडल ऑफ द सर्कल और इस फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर इसका मतलब अगर हम इस सर्कल की बात करें पॉइंट ए जो है दैट इज सेंटर ऑफ दिस सर्कल ठीक है सो नाउ हेयर हमारे पास ये सर्कल है जिसका सेंटर ए है मैंने यहां पर किया क्या किया आई हैव सिलेक्टेड एनी थ्री पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल सपोज मैंने सिलेक्ट किया है बी सी और डी को ठीक है देन आफ्टर दैट वी विल ड्रा द सेगमेंट्स जैसे हम ए बी सेगमेंट ड्रा करेंगे ए सी सेगमेंट ड्रा करेंगे और ए डी सेगमेंट ड्रा करेंगे अगर हम इन सेगमेंट्स सपोज ए बी ए डी या ए सी इन सेगमेंट्स को अगर हम मेजर करेंगे यूजिंग द रूलर हमें क्या कंक्लूजन मिलेगा कंक्लूजन में हमें मिलेगा ऑल द थ्री सेगमेंट्स ए बी ए सी एंड ए डी दे आर हैविंग द सेम लेंथ ऑफ टू सेंटीमीटर ठीक है और जो इन सेगमेंट्स का एक एंड पॉइंट है एक वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ ऑल द थ्री सेगमेंट्स इज द सेंटर अगर हम ए बी की बात करें इसका एक जो एंड पॉइंट है वो सेंटर है ए डी की बात करें इसका जो एक एंड पॉइंट है दैट इज सेंटर ए सी की बात करें इसका जो एक एंड पॉइंट है दैट इज सेंटर और इन सेगमेंट्स का जो दूसरा एंड पॉइंट है दैट इज लाइंग ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल जैसे ये ए बी लाइन सेगमेंट है इसका एक एंड पॉइंट सेंटर है और दूसरा एंड पॉइंट जो है Uh, वो किस पर लाई कर रहा है ऑन द सर्कल ए डी सेगमेंट है इसका एक एंड पॉइंट सेंटर है दूसरा एंड पॉइंट क्या है दैट इज लाइंग ऑन द सर्कल ए सी लाइन सेगमेंट है इसका एक एंड पॉइंट है क्या सेंटर uh, और दूसरा एंड पॉइंट इज लाइंग ऑन द सर्कल ठीक है सो हेयर वी कैन राइट यहाँ पर हम इस डेफिनेशन में एक और चीज ऐड करते हैं मैंने यहां इस डेफिनेशन में एक और चीज ऐड किया है द फिक्स्ड पॉइंट लाइज इन द मिडल ऑफ द जो ये है दिस इज द सिंबल फॉर सर्कल एक छोटा सर्कल बनाओ इसके बीच में डॉट दिस इज द सिंबल फॉर सर्कल एंड इज कॉल्ड द सेंटर सो अब ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं दैट ज्वाइन द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन इट्स बाउंड्री उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल सो ए बी जो है ए सी जो है और ए डी जो है ये सर्कल के रेडियस है या ये सर्कल के रेडियाई radi है रेडिया जो है वो सर्कल का बिलूरल है अगर हम ए बी लेंगे ए बी को बोलेंगे दिस इज रेडियस अगर हम ए सी लेंगे ए सी को बोलेंगे दिस इज रेडियस अगर हम ए डी लेंगे ए डी को बोलेंगे दिस इज रेडियस बट अगर हमने तीनों को लिया तीनों तीनों को तीनु, फिर वो बन जाएगा पिलोरल वी कैन से ए बी ए सी एंड ए डी दे आर द रेडिया ऑफ द सर्कल हेयर आई विल राइट इट्स डेफिनेशन सो इट्स द डेफिनेशन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल ठीक है सो देर आर अनकाउंटेबल points lying on the boundary of the circle all of which are at a distance of 2 cm from the center this means we can draw uncountable or infinite radii ye, radii ye hai, radius ab radius ab hai this is also radius this is also radius just like there are infinite points in on the boundary likewise there are infinite radii of any circle so thank you